दोस्तों BTS के मेंबर जहां भी जाते हैं उनके पीछे काफी सारे लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडीगार्ड्स की ड्यूटी काफी बढ़ जाती है। और यही देखने को मिला जब BTS के मेंबर भी पेरिस गए हुए थे अपने सलीन फैशन शो के लिए, जहां पर काफी सारा क्राउड इकट्ठा हो गया था सिर्फ और सिर्फ वी को देखने के लिए। दोस्तों यही नहीं बल्कि काफी सारे लोगों ने बताया कि अपनी लाइफ में पहली बार किसी फैशन शो में उन्होंने इतने सारे लोगों को देखा है जो कि आए हुए थे सिर्फ और सिर्फ वी से मिलने, और पूरी रोडों पे सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही दिखाई दे रही थी। लेकिन दोस्तों खास बात तो ये है कि इन सब के चलते बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आर्मीज काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी हैं और उनका एंगर संभालना काफी मुश्किल हो रहा है। दोस्तों एक्चुअली देखा गया था कि जब वी पेरिस गए थे तो उनकी सिक्योरिटी काफी टाइट थी, साथ ही साथ जब वो सलीन फैशन शो में एंट्री कर रहे थे तब भी उनके आसपास काफी सारे बॉडीगार्ड्स थे, जिसकी वजह से वी को काफी अच्छे से प्रोटेक्शन मिली थी। और देखा गया कि वहाँ जितने भी बॉडीगार्ड्स वी के लिए रखे गए थे वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे। हालांकि दोस्तों जब वी इस इवेंट से वापस जा रहे थे और अपनी कार में बैठे तो कुछ सैमसंग फैंस ने उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, जिसको लेकर BTS की आर्मी काफी गुस्सा हो चुकी है। दोस्तों एक्चुअली काफी सारी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है जहां पर देखा जा सकता है कि जब वी वापस अपनी कार में जा रहे थे तो उनके आसपास काफी सारे बॉडीगार्ड थे, लेकिन जैसे ही वो अपनी कार में बैठ गए थे उसके बाद अपने फैंस को ग्रीट करने के लिए और उन्हें हाई करने के लिए वी ने अपनी विंडो को नीचे कर दिया, यानी उसके शीशे को नीचे करा और अपनी विंडो को खोलकर वो फैंस को हाई करने लगे। हालांकि दोस्तों उसी समय देखा गया कि एक लड़की का हाथ आकर वी के हाथ से टच हुआ और देखने में ऐसा लग रहा था कि वो उस कार के काफी नजदीक आकर वी को टच करने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों ये इंसिडेंट आर्मीज को काफी ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि उनका मानना था कि अगर कोई आइडल इतना काइंड है कि इतनी भीड़ में भी वो अपने फैंस को ग्रीट करने के लिए अपनी गाड़ी का शीशा नीचा कर रहे हैं तो उनके फैंस को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी लिमिट में रहें और अपने मैनर्स को ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों जहां आर्मीज ने वी के बॉडीगार्ड को काफी प्रेस किया, वहीं उनका मानना था कि वी की काइंडनेस का लोग काफी ज्यादा फायदा उठाते हैं और ऐसा ही किया इस फैन ने और उसे अपनी लिमिट नहीं भूलनी चाहिए। काफी सारे लोग इस वीडियो पे काफी गुस्सा हो गए थे और उनका मानना है कि ऐसे लोगों को फैंस मानना ही नहीं चाहिए जो अपनी लिमिट नहीं जानते हैं। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आप इस बारे में जानते थे या फिर नहीं, और अब जानने के बाद आपका इस पर क्या कहना है। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।